हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवद गीता का मुख्य और महत्वपूर्ण संदेश क्या है। वैसे प्रायः जगत में सभी बुद्धिमान सुशिक्षित लोग भगवद गीता के महत्व को जानते हैं, भगवद गीता के स्थान को पहचानते हैं। आध्यात्मिक जीवन में तत्वज्ञान की दृष्टि से भगवद गीता का अनन्य साधारण महत्व है। भगवद गीता यानी भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है। ये भगवद गीता उस समय बताई गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। कई बार भगवद गीता के बारे में हम लोग सोचते हैं भगवद गीता यानी एक तत्वज्ञान के संबंध का एक महान दार्शनिक चर्चा है जो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई। भगवद गीता के बारे में लोग सोचते हैं, जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि भगवद गीता ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन को कुछ प्रश्न थे, वो कुछ समस्याओं से घिरा हुआ था और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उसे जवाब दिया। ये दोनों का संवाद ही भगवद गीता कहलाती है। तो भगवद गीता का ज्ञान देने के पीछे भगवान का एक विशेष उद्देश्य था। ऐसे नहीं कि कई बार गलती से हम सोच बैठते हैं कि भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए बताई थी। हमारा और भगवद गीता का वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए। प्रिफेस में, प्रस्तावना में ही प्रभुपाद जी बड़े ही सुंदरता से बताते हैं कि अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान इस समूचे विश्व को प्रदान किया है। यानी गीता का ज्ञान तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हम सभी के लिए है। चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, सभी के लिए भगवद गीता का ज्ञान महत्वपूर्ण है और भगवान ने सभी के लिए ये ज्ञान दिया है। ऐसे भगवद गीता का महत्वपूर्ण संदेश क्या है, भगवान आखिर क्या बताना, क्या समझाना चाहते हैं? हम सभी जानते हैं कि हर ग्रंथ का जो सार होता है, जो निष्कर्ष होता है, जो पर्पस होता है, वो प्रायः ग्रंथ के अंतिम अंतिम पन्नों में हमें पता चल जाता है कि क्या उस ग्रंथ का सार है, क्या इस ग्रंथ का संदेश है। तो वैसे ही भगवद गीता में हम देखते हैं कि पूरे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो इस गीता का मुख्य और महत्वपूर्ण संदेश भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमें मिलता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य तथा कथित तुम सारे धर्मों का त्याग कर दो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि भगवान का यह मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो तो हिंदू बनो, आप मुस्लिम हो तो हिंदू बनो। भगवान ऐसे शारीरिक स्तर की बात नहीं करते हैं। यहां पर धर्म का मतलब है, भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य तथा कथित सारे धर्मों का त्याग करो। इसका मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, और इसी में हम लोग अटक जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य को भी भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सारे धर्मों का, ये जो सारे कर्तव्यों का है जो कि प्रायः अनावश्यक है, अर्थात जीवन धारण के लिए जितना जरूरी है उतना कर्म उतना कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी अनावश्यक सारे धर्म है जो हमने पाले हैं, हमने बनाए हैं, उसको हमको त्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कहते हैं मुझ अकेले को शरण आ जाओ। माम एकम, रूपा जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बताते हैं, माम एकम भगवान ने कहा मुझ अकेले को। कई बार यहां पर हम देखते हैं कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान के अंदर का जो निराकार तत्व है उसको शरण जाना है, लेकिन भगवान ने यहां पर, कृष्ण ने यहां पर ऐसी कोई बात नहीं कही।
कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सीधे ये कह दिया कि माम एकम शरणम व्रज, मुझ अकेले को शरण में आ जा। यानी जैसे कुरुक्षेत्र में हम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं द्विभुजधारी भगवान कृष्ण, वैसे उसी भगवान के रूप को हमें शरण जाना है। ये गीता का बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं गीता के प्रमुख वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, और जब वक्ता कुछ बोलता है तो उसको अनन्य साधारण महत्व होता है। और पूरे गीता के जो वक्ता है और मुख्य विषय वस्तु है वो तो भगवान कृष्ण ही है, और वही भगवान कृष्ण जब कहते हैं तो कहते हुए जब कहते हैं कि तथाकथित सारे धर्म का त्याग करो और मुझ अकेले को शरण में आ जाओ, तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि हमको भगवान श्री कृष्ण की शरण जाना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हम लोग देखते हैं, वो बातें तो गीता की करते हैं, बातें तो कृष्ण की करते हैं, लेकिन जब आराधना करने का समय आता है, पूजा अर्चना करने का समय आता है, तो फिर अन्य किसी देवों के पास या देवताओं के पास भाग जाते हैं, जो कि गलत है। जहां यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान कि माम एकम, मुझ अकेले को, अन्य किसी को नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण को शरण आने की जरूरत है। और जब ऐसे होता है तो भगवान कहते हैं मैं क्या कर देता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से तुम्हारा मुक्ति कर दूंगा, सारे पापों को मैं तुम्हारे नष्ट कर दूंगा। ऐसे भगवान कहते हैं मोक्ष इच्छामि मा शुच, तुमको मोक्ष भी दे दूंगा, मुक्ति भी दे दूंगा, मा शुच, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम केवल मेरे शरण में आ जाओ। यानी भगवद गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, मुख्य संदेश है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, और भगवान कृष्ण की शरण में आकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके भक्तों के संग में आना चाहिए, भक्तों के संग में आकर हमें भक्ति सीखनी चाहिए। वास्तविकता में मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है, भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं उसका उद्देश्य क्या है, भगवान को शरण होना, भगवान की भक्ति करना। तो हम देखते हैं गीता के पहले ही अध्याय में, हम देखते हैं कि पहला अध्याय अर्जुन बहुत बातें कहता है भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन शरण जाता है, और शरण जाकर कहता है कि मैं आपको शरण आया हूं, मैं बड़ा ही मोहित हूं, बड़ा ही भ्रमित हूं, आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करो। जब अर्जुन इस प्रकार से कहता है तो भगवान अपना मार्गदर्शन देते हैं, और मार्गदर्शन के अंत में ये गीता का 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक, 66 नंबर का श्लोक, इसमें भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सारे धर्मों को त्यागो और केवल मुझ अकेले को शरण आ जाओ। यही भगवद गीता का मुख्य और महत्वपूर्ण संदेश है, और ये शरणागति कैसे लेनी चाहिए ये सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के अंतर्गत ही इस्कॉन संस्था इस शरणागति विधि को, शरणागति की विधि को सिखाने का प्रयत्न कर रही है, जो कि हजारों करोड़ों लोग ये सीखकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।